हमारे यहाँ पूजा नहीं होती बट हम लोग बच्चों को शाम को जरूर ले जाते हैं रावण को जलते हुए देखने, और इस बार तो दशहरा के लिए इतनी अमेजिंग चीज प्लान है ना बच्चों के लिए, लाइक आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बट वो तो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। आज के ब्लॉग में हम एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी करने वाले हैं बच्चों के साथ, बट बिफोर वी गेट अहेड ऑफ आवरसेल्फ एक दो चीजें हैं आपको इस बार के दीवालॉग के बारे में बताने के लिए। उससे पहले आप देखिए इस बार दीवालॉग का इंट्रो। देखा लास्ट वाली स्लाइड कितनी क्यूट है। तो इस बार जो डेज का काउंटडाउन है, तो दीवालॉग जो सीरीज है वो 21 डेज की होती है फ्रॉम दशहरा टू दिवाली, एंड जो काउंटडाउन होता है डेज का, मैं हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक रंगोली सी बनाई थी एंड इस बार मैंने वो लड्डू रखे हैं 21, जो दिवाली का द्वारपाल हर दिन वो लड्डू खाएगा। एंड इट्स नॉट जस्ट इट, दिवाली का द्वारपाल आर होम ग्रोन ब्रांड इज स्पॉन्सरिंग आर एंटायर दीवालॉग सीरीज दिस year and sponsoring के साथ साथ they are going to be 21 giveaways one every single day of Divalog। क्या हुआ मम्मा? क्या फिनिश हो गया मम्मा? मेरा गाड़ी का सर्विस चल रहा था और रेसिपी वो खत्म हो गया है, पेंट कर और काम कर लो, जाओ दो मिनट। नहीं नहीं पेंट तो खत्म हो गया है, अब मैंने सूखने। शानवी आप अपना भी करा लो, जाओ। दिवाली का द्वारपाल आर होम ग्रोन ब्रांड इस साल स्पॉन्सर कर रहा है दीवालॉग, सो फॉर 21 डेज देयर गोइंग टू बी 21 गिव अवेज ऑफ साइंड कॉपीज ऑफ द मिस्ट्री ऑफ दिवाली का द्वारपाल। सो एवरी सिंगल डे यू हैव अ चांस टू विन अ कॉपी, अ साइंड कॉपी ऑफ द मिस्ट्री ऑफ दिवाली का द्वारपाल। एंड कैसे जीतेंगे, क्या गिव अवे है, वो एक थोड़ा सा इतना आसान काम नहीं है। ओके, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। फॉर दैट यू हैव टू वॉच एवरी सिंगल वीडियो, द इंटायर वीडियो। वीडियो के बीच में कहीं भी रैंडमली मैं गिव अवे के बारे में आपको पासवर्ड दूंगी, तो वो जो पासवर्ड होगा दैट यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उसके साथ साथ आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर आप में सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना है। दो इंस्टाग्राम पेजेस आपको फॉलो करने हैं, एक मेरा विच इज़ RGV लव और एक दिवाली का द्वारपाल का विच इज़ दिवाली का द्वारपाल। It's as simple as that. Repeat करो। How to participate is super duper simple. उसके लिए आपको जो भी मैं vlog में एक password बोलूँगी या फिर कुछ written word आएगा, वो आपको password डालना है comment section में। उसके साथ साथ आपको इस video को एक like देना है, मेरा YouTube channel को subscribe करना है, और Instagram में दो Instagram pages के links हैं, उनको click करके उनको follow करना है। One is @RGVLove. The second is @ दिवाली का द्वारपाल। It's as simple as that. And next vlog में मैं choose करूँगी winner. So you have 24 hours to participate in this giveaway. यार शानवी के लिए मैं वो पिग नहीं लेती हैमलेस से, इसका ना सेल ही नहीं मिल रहा, इसका सेल का साइज बड़ा ऑड है, सब राम भरोसे ढूंढ के लाया। राम भरोसे हमारी फैमिली से तब से जुड़े हुए हैं जब से वरुण उतने छोटे थे जितने छोटी अभी शानवी है। उल्टा सीधा लग नहीं रहा आपके पास आ रहा है। हाँ चलता चल रहा, तो चल रहा था शानवी आए शानवी का बर्थडे गिफ्ट। लंच में हम खा रहे हैं अरहर की दाल, बूंदी का रायता, आलू गोभी की सब्जी, रोटी एंड खीरा। खीरा का रायता? खीरे का रायता नहीं, बूंदी का रायता है। मैं भी सेम उसमें अपना खीरा ले रही हूँ। चीजें से एक लैडर बना दिया है, ग्लू और टेप और एक
मेजर वायर से भी कर लिया है मैंने वैसे भी। बाय बाय। देखो देखा गाइस मैंने क्या बनाया। शानवी आप क्या कर रहे हो मम्मा फोन के साथ? हाँ रखने रखने शानवी का पसंद जिज्ञासा को बाद में देख लेना। फोटो क्यों देखने जिज्ञासा की आप? अरे भी क्या कर रहे हो तो टूट गया तो देखो दो भी बच्चा शैतानी करेगा उसका नहीं मैं बनाऊंगी। बनाना है ना रावण? कैसे बनाएंगे मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि बनाएंगे ना। तो रावण बनाने के लिए हमने न्यूज पेपर ले लिया है। मैंने उसके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में उसको काट लिया है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन वॉट आई वॉन्ट टू मेक। तो एक तो पूरा वन फुल स्प्रेड है। हाँ एक आप ले लो पहले। चलो ग्रीन चाहिए आपको, ग्रीन दे दो पहले उसको। तो मैंने भी पहले कभी ऐसे रावण नहीं बनाया बट मैंने सोचा इस बार बच्चों के साथ ट्राई करते हैं। मैंने एक दो वीडियोस देखे थे तो पहले ऐसे पेंसिल घुसा के एक पूरे स्प्रेड को हम रोल कर रहे हैं। हमें बेसिकली एक स्टिक सी बनानी है एंड पेंसिल हमने इसलिए लिया है ताकि वो यूनिफॉर्मली रोल हो। उसके बाद एंड्स पे बस फेविकॉल लगा के उसको रोल करके चिपकाना है ना। मुझे दो तीन बार ही लगी थी इसको कम्प्लीटली ठीक बनाने में एंड इनफैक्ट जो स्टिक अभी आप देख रहे हो ये हरिवी ने ख़राब कर दी थी। तो मैंने बाद में एक और बनाई थी वो थोड़ी और बेटर बनी थी। तो ये एक दो ट्राई में ढंग से बनती है। फिर फॉर द स्कर्ट एरिया मैंने एक पिंक कलर की A4 शीट ले ली थी। हमने न्यूज़पेपर से बनाने की कोशिश की थी बट वो काफ़ी फ्लिम्जी बन रहा था तो हमने सोचा A4 कलर शीट थोड़ी सी और थिकनेस में ज़्यादा होती है। तो बेसिकली क्या करना है जितना भी बड़ा कोन बन पाए उस शीट से वो बनाना है। सो जितना बड़ा होगा जितना फिलावट होगी उतना ईजी होगा उसको स्टैंड कराना। जब मैं स्टैंड कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि जो नीचे का सर्कुलर एरिया है वो प्रॉपर जितना बड़ा होगा उतना इजीली स्टैंड करेगा। एंड फिर जब आपका एक कॉनिकल फ्रेम बन जाए तो उसको नीचे से काटना है ताकि नीचे एक यूनिफॉर्म सर्कल बने और कोई चोट सी ना निकल रही हो। इस टाइम तक शानवी काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी एंड ऑनेस्टली दो बच्चों के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत मुश्किल काम है। हमारी नानी आज आई नहीं थी तो दोनों के दोनों मेरे साथ ही सुबह थे एंड शानवी एक जगह ऑब्वियसली आराम से नहीं बैठती इतनी देर, उसको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है। तो जो रावण की बॉडी है उसके हमें दिखा नहीं पाई थी क्योंकि तब शानवी और आरवी दोनों क्रैंकीश हो रहे थे। मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो गया था कि मैं कैसे बनाऊँगी। बट उसकी बॉडी के लिए बेसिकली मैंने एक पीस ऑफ पेपर लेके उसको सर्कल घुमा के उसमें टेप लगा दिया था एंड दैट वॉज प्रीटी मच इट। इट वॉज सुपर डुपर सिंपल एंड मैं ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था तो मैं कोशिश कर रही थी कट करके इसको इवन आउट करने के लिए। जैसे हमने इसका स्टैंड बनाया था जो फर्स्ट हमने रोल बनाया था वैसे ही एक रोल बनाना है बट शॉर्टर। वो बेसिकली हमारे आर्म्स की तरह शोल्डर्स की तरह वर्क करेगा एंड ये इसको चिपकाना है हमें उसकी बॉडी एरिया से ना। उसको चिपकाने के लिए एक छोटे से वी कट्स मार लो उसकी बॉडी पे ताकि जो स्टिक है उसमें आराम से घुस पाए एंड उस स्टिक को अटैच कर दो उन वी शेप एरियाज में ना। वैसे ही एक पेपर को लेके मैंने उसको राउंड करके उस स्टिक के अराउंड बनाई थी रावण की नेक ना। ये सब आई बॉल्ड है, इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट कुछ है नहीं तो मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आया वैसे बनाया एंड फिर एक थोड़ा सा बिगर सर्फेस लाइक बिगर सर्कुलर सिलेंडर बना के मैंने बनाया रावण का हेड। अभी आप देख सकते हो कि मैं कैसे बना रही थी। इट वॉज वेरी सिंपल, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर को लो उसका एक एंड दूसरे एंड से ज्वाइन कर लो एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एंड जो ये हेड है तो ये मेन हेड है तो ये बड़ा होगा और बाकी के जो 9 सिर हैं वो इससे मैंने थोड़े से छोटे बनाए थे। सबसे पहला काम है इस हेड को अटैच करना स्टिक से। तो मैंने पहले फेविकॉल से ट्राई किया था फिर वो बहुत ढंग से नहीं हुआ था तो मैंने लास्ट में इसको टेप से चिपकाया था ना। मैं न्यूज़पेपर रोल करके एक और स्टिक बना रही हूँ टू सपोर्ट द हेड्स ऑल द हेड्स टुगेदर। तो मैं अब सिर के पीछे लगाऊंगी एज अ सपोर्ट स्टिक। अब रावण के बाकी 9 हेड्स भी मैंने वही सेम टेक्निक से बना लिए थे। बस ये ध्यान रखा था कि वो जो बीच वाला सिर है उससे थोड़े से छोटे हो ना। जब आप इसको चिपका रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि इनकी नेक अलाइन हो नॉट कि इनके टॉप्स अलाइन हो। तो जो मेन हेड है वो थोड़ा सा बड़ा होगा बाकियों से एंड ये बट जो बेस है जो नेक लाइन है वो सबकी सेम रहेगी एंड दैट्स इट। हमारा रावण हो गया है तैयार। बस अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट शेकोरेट करेंगे बच्चों के साथ।
आर्यवीर का तो हो गया था टीवी टाइम, बट शानवी ने हेल्प की मुझे डेकोरेट कराने में, उसने काफ़ी सारा पेंटिंग एंड ऑल में मुझे हेल्प की रावण के, एंड आई वोंट से इट वाज अ परफेक्ट रावण, आर्यवीर कह रहा है फनी रावण बना इंस्टेड ऑफ स्केरी रावण, बट एटलीस्ट इट वाज समथिंग, टटड़ा टटा थोड़ा सा क्यूट सा फनी सा रावण बन गया इंस्टेड ऑफ स्केरी वन, बट प्रॉब्लम अभी हो गई कि आर्यवीर बना कर रहा है, कह रहा है इसको जलाएंगे नहीं, दादी के लिए फ़ोन मंगवाया, उनके फ़ोन में ना आवाज़ आनी बंद हो गई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ खोलते हैं इसको और दिखाते हैं कि फ़ोन आया या पत्थर आया, क्योंकि अमेजोन में न्यूज़ तो है ऐसी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाओ और घर में आते हैं पत्थर, तो वीडियो बनाते जाते खोलते हैं, कम से कम प्रूफ होगा मेरे पास, नहीं पत्थर तो नहीं लग रहा अभी तक, तो मेरा सिंदूर भी आ गया, मैं सिंदूर भी मंगवाया था क्योंकि आजकल मेरे पास सिंदूर नहीं है, मैं लिपस्टिक से लगा रही हूँ सिंदूर, एंड फेस्टिव सीजन में तो मन करता ही है ना सिंदूर लगाने का, मुझे लोटस के सिंदूर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे दोनों कलर मंगवाने थे, तो दे हैव लाइक अ रेड कलर एंड अ मरून कलर, बट मुझे सिर्फ यही वाला कलर मिला, एक ही मिला पता नहीं, इसमें लिखा भी नहीं हुआ कलर, 21 लव ड्रॉप करके कलर लिखा हुआ, बट इट हैज़ मोर शेड्स एंड पता नहीं क्यों ऑर्डर ही नहीं हो रहे थे, तो दादी के लिए मैंने मंगवाया है नोकिया 105, उनको स्मार्टफोन हमने पहले दिया हुआ है बट वो कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी स्मार्टफोन में, उनको लाइक पता नहीं उनको नहीं ठीक लगता, उनका इनफैक्ट व्हाट्सएप भी अपडेट कर दिया था एंड लाइक उनको सिखाने की भी कोशिश की थी वीडियो कॉल्स एंड ऑल, क्योंकि लाइक वी हैव अ बिग फैमिली, दादी के 3 ईशान में वापस रखो चार बेटा, दादी के 3 बेटे हैं, उनकी फर्दर फैमिलीज हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, तो ऑब्वियसली दादी वीडियो कॉल अगर दादी कर पाए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट उनको नहीं समझ में आ रहा था, तो उनको यही फ़ोन्स अच्छे लगते हैं एंड उनको लाइक लाउड वॉइस वाले फ़ोन्स भी चाहिए होते हैं जिसमें कान पे रख के आवाज़ तेज़ आए, तो इसमें काफ़ी अच्छी आती है आवाज़ एंड रिव्यूज़ में भी मैंने पढ़ा था सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा फ़ोन है, दिस ऑल्सो हैज़ एन LED लाइक टॉर्च लाइट विच इज़ गुड, तो ये खोलते हैं एंड मैंने बड़ा अच्छा कलर मंगवाया है दादी के लिए, होपफुली राइट कलर आएगा, दिखाना इधर आ जाओ, तो दिखाएं बाकी लिए कौन से कलर का फोन मंगवाया मम्मा ने, इट्स अ पिंक फोन, कितना सही कलर है, मम्मा दिखाना, आपके लिए नहीं है, किसका फोन है, मैं मम्मा बा का फोन है, ये बा का फोन पूरे दिन लेके घूमती रहती है, चलो अब आपको न्यू फोन दिखाते हैं, नहीं दादी म्यूट करना, दादी न्यू फोन कलर अच्छा है ना, कलर अच्छा है ना, आवाज पता नहीं कैसे सुनेगा, आवाज इसमें है तो तेज, बाकी देखते फिर, पिंक है कितना सही है, खोएगा भी नहीं, फोन भी मेरे से मैच कर रहा है, किसी को मिल नहीं रहा बाका ओल्ड फोन, इतना अच्छा है बाका न्यू फोन, ठीक है मैं बाका न्यू फोन मैं इंस्टॉल करके ला रही हूँ, दादी को थोड़ा ऊंचा सुनता है तो ऑब्वियसली उनका मेन कंसर्न ये था कि फोन की आवाज़ तेज है या नहीं, एंड इट पास द टेस्ट, उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, हेलो रावण नहीं बा का फोन, क्या कर रहे हो आप, रावण क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिनर में मैंने बनाया था मलाई मटर मशरूम, बहुत ज़्यादा यमी बने थे, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाए थे इसलिए मैंने शेयर नहीं की थी ओरिजिनली इसकी रेसिपी, और ये ऑलिव ऑयल में बने हुए हैं, बट नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी आई विल पक्का फॉर श्योर शेयर इट विद यू गाइस, क्योंकि ये बहुत डिलिशियस बना था, मटर मलाई मशरूम एंड प्लेन पराठा, ठीक है।
ठीक है? मशरूम, मटर मलाई मशरूम, यम यम। And that's it for today's vlog, guys. अब मैं बहुत ज़्यादा exhausted हो गई हूँ, जाके बस इसको edit करूँगी, dinner करूँगी और सोऊँगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का व्लॉग, अगर लगा हो तो बड़ा सा लाइक जरूर दे देना। आई होप आपने गिवअवे में पार्टिसिपेट कर लिया है। एंड आई सी यू गाइस टुमारो फॉर द व्लॉग डे 2।